अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सैन्य वर्चस्व को चुनौती देने के लिए चीन और रूस ने तैयारी कर ली है। लंदन के एक अग्रणी थिंक टैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि पश्चिम अब अपने सामरिक लाभ पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। थिंक टैंक IISS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जहां अब तक यह माना जा रहा था कि दुनिया में बड़ी शक्तियों के बीच अब युद्ध अपरिहार्य नहीं रहा, वहीं अमेरिका, रूस और चीन जैसे मुल्क सिस्टमैटिक ढंग से संघर्ष की तैयारी में जुड़ गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपने हथियारों की दौड़ में तेजी से आगे निकलता हुआ जबरदस्त ढंग से विस्तार करने में जुटा है। हवा में 2020 तक चीन के लड़ाकू विमानों का वर्चस्व होगा, जिसमें उसका चेंगडू J-20 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी शामिल है। इस बीच चीन ने अपने PL-15 एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी का विस्तार करने में जुट गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्कैन किए गए रडारों से लैस होगी। दुनिया में यह टेक्नोलॉजी कुछ ही देशों के पास है। इस रिपोर्ट की माने तो आने वाले टाइम में हवा में लड़ने के लिए चीन एयरक्राफ्ट का जबरदस्त वर्चस्व देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन के पिछले 4 सालों में अपने नए युद्धपोतों और ऑक्सिलरीज की कुल टन भार देखें तो पूरे फ्रांस की नौसेना से भी काफी अधिक है। इंडस्ट्रियल और फंडिंग के मुद्दों की वजह से आंशिक रूप से रूस की सैनिकरण की शक्ति भले ही धीमी है, लेकिन सीरिया और यूक्रेन में जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने अपनी ताकत को दिखाया है, उससे मॉस्को की सैन्य शक्ति को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वहीं साइबर अटैक के मामले में रूस कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा अमेरिका को 2016 के आम चुनाव में पता ही चल गया था। अब पश्चिम अपनी सैन्य ताकत के लिए रूस और चीन की तरफ देख रही है। IISS के डायरेक्टर जनरल और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर जॉन चैपमैन ने कहा है कि पश्चिम कुछ सरकारें अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने के लिए रूस और चीन की तरफ देखेंगी, हालांकि इसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। चैपमैन ने कहा है कि चीन के उभरते हुए हथियार विकास और व्यापक रक्षा तकनीक प्रगति से पश्चिमी देशों के लिए एक अवनिवेश के रूप में उभरेगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।